कई दिनों से पलामू जिले के राजकीय उच्च विद्यालय मेदिनीनगर में प्रभारी प्राचार्य बनने को लेकर दो वरीय शिक्षकों में विवाद चल रहा है, तो वहीं इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री रामदयाल कुशवाहा ने बताया कि ये विवाद आधारहीन है। उन्होंने कहा कि 12 जून 2019 से तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू श्री उपेंद्र नारायण द्वारा 6 अक्टूबर को आदेश जारी करके श्री करुणा शंकर तिवारी को प्रभारी प्राचार्य के लिए प्राधिकृत किया गया, जो कि गलत फैसला था। इसके विरुद्ध उन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पलामू प्रमंडल के पास इसकी शिकायत दर्ज की। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पलामू ने उपयुक्त विवाद सुनवाई करते हुए कहा कि ये सभी पक्षों के तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को अमान्य करार दिया तथा श्री रामदयाल कुशवाहा को प्रभारी प्राचार्य के पद पर बने रहने का आदेश भी दिया। पलामू से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। पिपरा प्रखंड क्षेत्र के बभंडी पंचायत अंतर्गत ग्राम धवतर देवी मंदिर में रामनवमी पाठ को लेकर सोमवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में गांव सहित पंचायत के सैकड़ों महिला पुरुष देवी मंदिर प्रांगण से कलश लेकर गाजे बाजे के साथ भ्रमण करते हुए बत्रे नदी पहुंचे, जहां पंडित भूषण पांडे द्वारा विधिवत वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। उसके बाद पुनः देवी मंदिर परिसर में पहुंचकर कलश का स्थापना भी किया गया। हरिहरगंज से प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। मनातू सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 14 से 24 वर्ष की किशोरियों के लिए सरकार की ओर से तेजस्वनी योजना चलाई गई है। इसके तहत मनातू में 7 अप्रैल से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इस योजना के माध्यम से इस प्रशिक्षण अवधि में मनातू के 7 तेजस्वनी क्लबों में 300 लड़कियों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें आंगनबाड़ी स्तर पर 14 से 24 वर्ष की आयु की लड़कियों में नेतृत्व क्षमता का विकास, विचारों के आदान प्रदान, शिक्षा और गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन, बाल विवाह जैसी समस्याओं से निपटने के लिए तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। पलामू से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर पलामू से है, जहां अभियान चलाकर योजनाओं को कराए गए पूर्णता आयुक्त, विकास योजनाओं में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई। तो वहीं गर्मी के मद्देनजर पेयजल व्यवस्था कराए गए दुरुस्त, तो वहीं जेई के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे BDO, प्रतिदिन ले रिपोर्ट और साप्ताहिक करे समीक्षा। तो वहीं COVID-19 की जाँच एवं वैक्सीनेशन बढ़ाए, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर COVID-19 की जाँच की व्यवस्था हो, PM आवास की धीमी प्रगति वाले स्वयं सेवकों का प्रखंड स्तर पर सूची तैयार करते हुए सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। वहीं सभी कार्ड धारियों को ससमय राशन, कम राशन देने वाले और आधार सीडिंग में शिथिलता बरतने वाले डीलर के खिलाफ कार्यवाही की गई। अयोग्य लाभुकों को नहीं मिले योजनाओं का लाभ, प्रखंड विकास पदाधिकारी करे इसकी निगरानी। वहीं दीदी बाड़ी योजना पूर्ण कराना, JSLPS की जिम्मेदारी, पलामू में दाल मिल, तेल मिल आदि प्रोसेसिंग प्लांट कराए गए स्थापित। तो वहीं सखी मंडल की दीदियों के सहयोग से महिलाओं को बनाए आत्मनिर्भर, लाह की खेती व पलाश फूल से गुलाब बनाने की दिशा में कार्य करें। तो वहीं विद्यार्थियों का 100% आधार सीडिंग कराएं, छात्रवृत्ति से वंचित ना हो कोई विद्यार्थी तथा सड़क व भवन निर्माण की गुणवत्ता की कराएं जांच तथा आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों का आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने पलामू के समारोह गृह में सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं को गति देने को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पलामू से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।